मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पांचवी बार पलटी मारने के लिए तैयार बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक विभाग बंटवारे की डील फाइनल होते ही नीतीश कुमार आज अपना इस्तीफा राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को सौंप देंगे। आज उन्होंने वक्त भी मांगा है। सूत्र बता रहे हैं कि राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा गया है। इसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने की कवायद हो जाएगी। ठीक चुनाव से 100 दिन पहले हम ऐसा कह सकते हैं कि नीतीश का ये कदम देश की राजनीति में एक बड़ा झटका है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ लाने की जो पटकथा है वो दरअसल अक्टूबर 2023 से ही लिखी जा रही है। इसी पटकथा के तहत जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को हटाया गया था। अब आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी के वो कौन से नेता थे और जेडीयू के वो कौन से नेता थे जिन्होंने इस पटकथा पर काम किया और नीतीश को एक बार फिर से एनडीए तक लाने की कवायद में जुटे रहे। तो सबसे पहला नाम बीजेपी के नेता नित्यानंद राय का आता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को अमित शाह का एक भरोसेमंद माना जाता है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से पूरे अभियान को नित्यानंद राय ही लीड कर रहे हैं और नीतीश कुमार गुरुवार को जब ये खबर आई कि वो फिर से बीजेपी के साथ आ रहे हैं तो नित्यानंद राय सहयोगी दलों को मनाने में जुट गए। देर रात राय को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास पर भी देखा गया और गठबंधन की पटकथा लिखने के लिए जेडीयू और बीजेपी हाईकमान की ओर से 7 नेताओं को मोर्चे पर लगाया गया। इनमें 4 जेडीयू के और 3 नेता बीजेपी के हैं। नित्यानंद राय के बारे में हमने आपको बताया। दूसरा नाम जो आता है वो पूर्व उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के अच्छे मित्र सुशील मोदी का नाम सामने आता है। इनकी भी बड़ी भूमिका रही है नीतीश को बीजेपी में लाने की। हालांकि नीतीश कुमार पर सबसे ज़्यादा जुबानी हमले जो हैं वो सुशील मोदी ही करते रहे। मोदी नीतीश कुमार से काफ़ी करीबी रहे हैं, गाहे बगाहे नीतीश उनकी तारीफ भी करते रहे हैं। सूत्रों का ये कहना है कि नीतीश कुमार को बीजेपी में लाने के लिए जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है उसके पीछे सुशील मोदी ही हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसमें परमानेंट दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि सुशील मोदी को डिप्यूटी सीएम बनाया जाए, यानी कि वही पहले वाला कॉम्बिनेशन जब सीएम होते थे नीतीश कुमार और डिप्यूटी सीएम सुशील मोदी। हालांकि बीजेपी हाईकमान से इस पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा है। जेडीयू की तरफ से गठबंधन को लेकर सबसे धुआंधार बैटिंग संजय कुमार झा ही कर रहे हैं। झा अभी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और नीतीश सरकार में मंत्री हैं। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के में संजय झा ही एकमात्र नेता हैं जिनके पास संगठन और सरकार दोनों जगह पद है। और सूत्रों का कहना है कि संजय झा इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली पहुंचे थे जब उन्होंने नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने की स्क्रिप्ट पर काम किया। हालांकि दिल्ली से लौटने के बाद झा ने नीतीश के इंडिया में रहने की बात दोहराई थी, लेकिन अब तस्वीर बदली हुई है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का नाम भी इस लिस्ट में है जिन्हें इस पटकथा को लिखने में, उसे अमली जामा पहनाने में मुख्य भूमिका निभाने के तौर पर देखा जा रहा है। हरिवंश नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और नीतीश जब बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ आए तो हरिवंश के भी पद छोड़ने की बात चली थी। हालांकि नीतीश ने उन्हें पद से नहीं हटाया। अब सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के साथ आने के लिए बीजेपी हाईकमान को हरिवंश ने ही तैयार किया। दूसरी तरफ 2017 में भी हरिवंश के कहने पर ही नीतीश आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी में मिल गए थे। अब एक और बड़े नेता का नाम जो सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले जिन्होंने पटना का रुख किया बीजेपी से, विनोद तावड़े। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी हैं। गुरुवार को जब नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने की बात हुई तो डील फाइनल करने के लिए तावड़े ने ही बड़े नेताओं के साथ अहम बैठक की। जेडीयू प्रवक्ता और नीतीश कुमार के सलाहकार केसी त्यागी का भी नाम इस लिस्ट में है जिन्होंने पटकथा पर काम किया है और अभियान चलाया इन्होंने। सूत्र बता रहे हैं कि त्यागी की भूमिका दरअसल मीडिया मैनेजमेंट की थी। त्यागी नीतीश के संदेश को बीजेपी तक और बीजेपी के संदेश को नीतीश तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के इस अभियान को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी विजय चौधरी पर भी है। सूत्र बता रहे हैं कि पहले जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटाना था जिसके लिए चौधरी को ही आगे किया गया और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कई वो बड़े नेता थे बीजेपी और जेडीयू की तरफ से जिन्होंने नीतीश और
बीजेपी को करीब ला दिया है और इन नेताओं को क्या अब आगे भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, ये देखना अहम होगा। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में जो तब्दीली देखने को मिल रही है वो बहुत ही अहम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।